जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त देशद्रोही पंकज देशद्रोही। और साथियों, जय भीम। जय भीम की आवश्यकता क्यों पड़ी आज, और आज का वीडियो किस संदर्भ में है, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आज हम ये वीडियो जो आपको दे रहे हैं वह है एक ऐसे महापुरुष के जयंती के संदर्भ में, जिससे पूर्व या कहें कि जिसके बाद कोई व्यक्ति उनके जैसा शायद ही भारत में जन्मा ही नहीं, या फिर कहें कि एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया जो वोट डालने के नाम पर कांप जाया करता था। और वोट किसको देना है, किस आधार पर देना है, इन सभी बातों को बतलाने वाले उस व्यक्ति की जयंती के विषय में आज का ये वीडियो आपके समक्ष मेरे द्वारा पहुँचाया जा रहा है। चंद मिनटों में किसी व्यक्ति का जीवन परिचय बताना या जीवन के उतार चढ़ाव को समझा पाना संभव नहीं है, लेकिन अपने अल्प ज्ञान एवं अल्प समझ के अनुसार ही मैं उस व्यक्ति को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं आज माननीय काशीराम जी की जयंती के संदर्भ में। 15 मार्च 1934 को पंजाब में जन्मे माननीय काशीराम जी की आज जयंती है, और 2006 में उनका निधन हो चुका है। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं इस वीडियो के संदर्भ में। कौन थे काशीराम, क्या उन्होंने काम किया और किस समाज के लिए काम किया, और जीवन में कौन कौन से उतार चढ़ाव मिले, कौन से आरोप मिले, कौन से सम्मान मिले, उन सभी की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और साथ ही काशीराम की उस कलम के विषय में भी चर्चा करेंगे कि कलम के महत्व को और उसके सवालों को किस प्रकार से वह बतलाते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से क्रोनोलॉजी के अनुसार काशीराम की जयंती के संदर्भ में माननीय काशीराम जी का थोड़ा सा जीवन परिचय और उनके जीवन के कुछ कार्य। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई पंकज देशद्रोही। माननीय काशीराम जी कई प्रकार के उतार चढ़ावों के साथ भारत ही नहीं विश्व के कई महापुरुषों की पंक्ति में एक साथ खड़े हुए हमको दिखते हैं। चाहे अम्बेडकर रहे हों, चाहे ज्योतिबा रहे हों, चाहे विवेकानंद रहे हों, चाहे गांधी रहे हों, चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे आडवाणी जी रहे हों, या ऐसे ही इतिहास के कई महापुरुष रहे हों भारत से बाहर और भारत के अंदर के, उनकी एक विशेष कतार अगर लगाई जाएगी, सूची बनाई जाएगी, तो उनमें एक नाम माननीय काशीराम जी का भी होगा। शिक्षा की अगर दृष्टिकोण से देखी जाए, एक वैज्ञानिक तरीके से काम करने वाले और प्रशासन को सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर कार्य करवाने वाले व्यक्ति थे माननीय काशीराम जी। जी हाँ, कई दर्जनों पुस्तकें लिखी उन्होंने और कई चर्चित पुस्तकों की चर्चा भी मैं करूँगा एक आध पुस्तकों की। और अंबेडकर के संदर्भ में भी एक पुस्तक पढ़ते हैं, अंबेडकर की एनालिसिस ऑफ कास्ट, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद वह निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि हिंदुस्तान से जाति का कभी विनाश नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी बात वह व्यक्ति अगर कह रहा है तो तर्क के साथ कहता है, वैज्ञानिकता के साथ कहता है। फिर एक बात और कहते हैं वह कि इस देश से अगर जाति को नष्ट करना है तो जाति के आधार पर ही उसको नष्ट किया जा सकता है, यानी कि जाति का विनाश जाति से ही किया जा सकता है। यह उनका निष्कर्ष निकलता है और इसकी बात करते हैं। और बहुजन समाज की जब बात करते हैं वह, और कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और एक नारा और देते हैं कि जो बहुजन की बात करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा। कई प्रकार के नारे देते हैं। अब सवाल उठता है कि यह नारे वे किस समाज के लिए देते हैं और क्यों देते हैं, आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि उनसे पूर्व दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला, खासकर हिंदुस्तान में, उनको कोई व्यक्ति दिखता ही नहीं है ज्योतिबा के बाद। लोग या कहें कि उस समय की वर्तमान दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस कहीं समझती नहीं थी बहुजन समाज के व्यक्ति को, दलित को, आदिवासियों को, जनजातियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को कुछ मानती ही नहीं थी, समझती नहीं थी, केवल वोट बैंक के अलावा। तो ऐसे समाज से निकले हुए व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज के लिए जो करते हैं वह एक मील का पत्थर साबित हो जाता, और वह हुआ भी। समय के साथ साथ चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कारवा बनता रहता है और कार्य करते रहते हैं बिना किसी की परवाह किए, और कई मामलों में बेबाक थे वे, और अपनी अहमियत को समझते थे और दूसरों की हैसियत को भी समझते थे।
उन्होंने कभी अपने आप को बेचा नहीं किसी के समक्ष। बेचने से तात्पर्य है कि झुके नहीं। अगर वे सही हैं तो सम्मान के साथ खड़े रहे, और गलत हैं तो नम्रता के साथ झुके भी हैं माननीय काशीराम जी। उन्होंने कई प्रकार के त्याग किए जो उनको कई महापुरुषों की श्रेणी में रख देते हैं। भगवान बुद्ध की तरह उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, और तो और अपने पिता और चाचा की मृत्यु के उपरांत भी उनके मृत्यु पर नहीं गए। उन्होंने एक शपथ ली थी या व्रत लिया था कि जब से वह राजनीति में आए, बामसेफ की स्थापना की, तो उन्होंने शपथ भी ली कि मैं कभी ग्रह अपना घर नहीं जाऊंगा, और अभी कितनी किसी भी रिश्तेदार के या सगे संबंधी के मृत्यु दिवस में नहीं जाऊंगा और जन्म दिवस में नहीं जाऊंगा। और तो और उन्होंने शादी भी नहीं की, परिस्त्री की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भगवान बुद्ध के करीब भी हैं, और घर छोड़ने के मामले में जो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि जब नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से निकले, उसके बाद वे कभी आश्रम लौट कर नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं कभी जिंदा लौट के नहीं आऊँगा साबरमती आश्रम, और गांधी जी गए भी नहीं। तो उसी प्रकार से ये बात काशीराम जी के संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि कभी घर नहीं गए, पिता की मृत्यु होने पर भी, माँ के कई बार कहने पर भी, माँ के बहुत प्रिय भी थे। उन्होंने एक नारा और दिया था। जब उनसे पूछा गया कि राजनीति में उनसे पूर्व या उनका कोई गॉडफादर नहीं है राजनीति में, तब उन्होंने कहा कि राजनीति एक अलग तरीके का खेल है जिसे हर किसी को खेलना चाहिए, और दलित समाज ऐसे अछूता रहेगा, बहुजन समाज इससे अछूता रहेगा, तो अपने हक की बात कभी वो नहीं कर पाएगा, ना ही किसी से करने के लिए कह पाएगा। इसलिए दलितों का राजनीति में सहयोग और दलितों का राजनीति में योगदान होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए दलित समाज को उन्होंने वोट की ताकत ही नहीं बतलाई, वोट के महत्व को भी बताया कि आपकी आपकी वैल्यू या आपका महत्व केवल वोट देने के लिए नहीं है, आपका जन्म भी समाज के बदलने के लिए, योगदान देने के लिए हुआ है। आप भी राजनीति कर सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं। यह समझ, यह चेतना माननीय काशीराम जी ने दलित समाज में जीवित की और पैदा की, और उसके पहले कदम के रूप में उन्होंने बामसेफ की स्थापना की। बामसेफ जो कि एक स्थानीय स्तर पर कार्य करता था कुछ लोगों के सहारे दलित समाज के लिए, इससे आगे बढ़कर फिर उन्होंने एक और संस्थान की स्थापना की, DS4 की, D4S यानी कि दलित शोषित संघर्ष समाधान समिति। दलित शोषित संघर्ष समाधान समिति, इस समिति के माध्यम से उन्होंने जगह जगह प्रचार किया कार्यकर्ताओं के सहारे, और दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया। और फिर जाके 84 में, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 1984 में उन्होंने BSP की स्थापना की, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और इसके बाद फिर वह राजनीति में इस तरीके से उतरे कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक बात कही थी जब उनसे पूछा गया पत्रकारों ने कि आप तो पहला चुनाव हार गए हैं, तब उन्होंने कहा कि पहला चुनाव हम निश्चित रूप से हारेंगे, दूसरे चुनाव में हम हराएंगे, और तीसरे चुनाव में जीत हमारी ही होगी। कि पहले चुनाव में हम हारेंगे, दूसरे में हम हराएंगे, और तीसरे चुनाव में हमारी जीत निश्चित होगी। और उसी का परिणाम था कि आज दलित समाज कहीं खड़ा हुआ है तो माननीय काशीराम जी की मेहनत और बदौलत के सहारे ही खड़ा हुआ है। उन पर कई आरोप लगते हैं कि वे अवसरवादी थे। कई लोग आरोप लगाते हैं कि माननीय काशीराम जी की राजनीति या उनका संगठन अवसरवादी है, इस प्रकार के आरोप लगते हैं। तो इसका जवाब क्या देते हैं, बेहद सुनने लायक है और व्यंग्यात्मक भी है, सच भी है। उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी हमें अवसर ही कहाँ दिया गया है, हमें कभी मौका ही कहाँ दिया गया है, या हमें कभी योग्य ही कहाँ समझा गया है किसी पद के लिए, किसी कार्य के लिए या किसी जिम्मेदारी के लिए। और अब हमें अवसर मिला है तो अब हम कोई भी अवसर नहीं गंवाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, अपने मान सम्मान के साथ हम डटे रहेंगे। इसलिए जब बड़े से बड़े राजनेता उनको मिलने के लिए बुलाए जाते थे तो मैं क्या होता है और मैं का महत्व क्या होता है, कभी किसी से मिलने नहीं गए। ये भी हो सकता था उनके जीवन में रहते हुए, बहुत लोगों ने लिखा भी है, जाना भी है, पढ़ा भी है, कि गरीब किसान मजदूर से वे मिलने के लिए कई के मील पैदल चल के जाया करते थे, साइकिल चला के उससे मिलने, लेकिन एक बड़े कद के नेता से वे मिलने नहीं जाते थे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपने आप को हम एक ऐसे समाज के सामने क्यों परोस देते हैं जो हमें कुछ समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है।
तो स्वयं की इज्जत क्या होती है, स्वयं का आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना क्या होता है, वह जीवन के हमें चलचित्र कहीं दिखते हैं, पदचिन्ह मिलते हैं, तो मान्य काशीराम जी के जीवन में मिलते हैं। वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने पेशकश की जब वह अपनी सत्ता चला रहे थे, वाजपेयी बीजेपी सरकार, कि आपका नाम दिया गया है प्रस्ताव के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए, तब उन्होंने मना कर दिया। किन्होंने? माननीय काशीराम जी ने, कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि वह किसी भी वर्ग की या किसी भी सत्ता की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते थे, और ना ही किसी वर्ग या समाज को अपना कठपुतली बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यदि मैं जो बनना है या भविष्य में कभी बनूंगा तो मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, क्योंकि जब तक सत्ता मेरे हाथ में नहीं आएगी, शक्ति का केंद्र मेरे हाथ में तो नहीं सही, हमारे समाज के वर्ग के लोगों के हाथ में नहीं रहेगा, जो देश की आबादी का 85% हिस्सा है, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे किसी भी वर्ग के लिए। तो मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, कठपुतली के रूप में देश का राष्ट्रपति नहीं बनना है। चमचा यज्ञ, चमचा एज नाम की एक पुस्तक लिखी उन्होंने। हाँ, चमचा युग, हिंदी में चमचा युग, इंग्लिश में चमचा है, क्या था इसमें? इस पुस्तक में वे बताते हैं कि किस प्रकार से राजनीति में हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो मुखबिरों की, भीषणों की, चमचों की श्रेणी में आते हैं, जो अपना तो विकास करते ही नहीं है लेकिन दूसरों का विनाश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो किस प्रकार से हम चमचों से दूर रह सकते हैं, यदि आपके इर्द गिर्द कई प्रकार के चमचे हैं, तो किस प्रकार से हम उनसे बचाव कर सकते हैं, अपना कम से कम नुकसान हो, इसके विषय में विस्तृत रूप से एक पुस्तक मेरे में लिखते हैं। हिंदी में उसका नाम है चमचा युग और हिंदी इंग्लिश में उसका नाम है चमचा एज। इसको ज़रूर पढ़ें। अन्य चर्चाओं में सुनने में आता है या कहा जाता है कि वे कई प्रकार के गठजोड़ या गठबंधन करते थे, हाथ मिला लिया करते थे किसी भी लोग से, किसी भी परिस्थिति में। जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे बताया और कहा भी, कि मेरे पीछे जो ट्रॉफी रखी देख रहे हैं, ये आरएसएस का एक कार्यक्रम हुआ था विवेकानंद की जयंती में। तो जब मैं अपनी वक्तव्य कहीं देता हूँ या बात रखता हूँ, मैं अपनी बात को काशीराम जी के साथ तुलना करके बताऊँगा, कि जब उनके बारे में कहा जाता है कि वो गठजोड़ कर लिया करते थे, समझौता कर लिया कर लेते थे किसी भी व्यक्ति से, किसी भी विचारधारा से, तब ये बात मुझ पर भी लागू होती है, कि मेरा चाहे किसी भी संगठन से, किसी विचारधारा से विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन जब किसी ऐसी बात पर कोई व्यक्ति आपसे इत्तेफाक रखता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, जाति समाज समुदाय का हो, तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। विवेकानंद की जयंती मनाई गई मेरे विश्वविद्यालय में 12 जनवरी 2020 को। तो विवेकानंद के जीवन के संदर्भ में जितनी बहुत थोड़ी मेरी समझ थी, उसके उपलक्ष्य में मैं अपनी बातें रखने गया, तो वहाँ मुझे पुरस्कार स्वरूप ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। और उसके बगल में जो पुष्प देख रहे हैं, वो हाल ही में एक इवेंट हुआ था, वहाँ मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। उसके संदर्भ में कुछ पुष्प हैं इसमें और कुछ किताबें उसके साइड में रखी हुई हैं। तो यही बात काशीराम जी ने कही, कि यदि किसी व्यक्ति से हमारे विचार मेल खाते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमें साथ लेकर या हम उसके साथ जाकर किसी समाज के व्यक्ति का भला या विकास कर सकते हैं, तो हमें उसके साथ चलना चाहिए और उसका साथ देना भी चाहिए। आप अपनी जिदों को इसलिए मत ढोते हुए चलिए कि आप छोटे हो जाएंगे। अपनी जिद को आप, अपनी जिद का त्याग आपको इसलिए भी कर देना चाहिए, कि आपकी जिद से यदि किसी का विनाश होता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, और आपके समझौतों से यदि किसी का विकास होता है तो वह समझौता कर लेना चाहिए। और यहाँ विकास का मतलब केवल और केवल वह सामाजिक विकास तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, और मूल रूप से राजनीतिक विकास हो। क्योंकि यदि राजनीतिक सत्ता की चाबी जिसके पास होती है या जिसके पास नहीं होती है, जिसके पास होती है वह सभी को अपने इशारों पर नचाता है, जिसके पास नहीं होती है दूसरे लोग उसके इर्द गिर्द नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो राजनीति के महत्व को समझाया। अंत में जाते जाते मैं उस कलम की भी बात करूंगा, जिसे कहते हैं कि कलम का जो कैप होता है हमको वही दिखता है, और ये कैप का मतलब है वही 15% लोग जो इस देश पर राज करे हुए हैं, जो सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, और 85% ये नीचे का हिस्सा जो हमको नहीं दिखता है, हम इसकी बात नहीं करते। कलम के अंदर जो इंक है वह लिखती है, वह मजदूर का पसीना है, किसान की मजदूरी है, जो इस ज़मीन में अन्न बोती है लेकिन भूखों सोती है। इमारत बनाते हैं मजदूर, लेकिन कभी कभी छतों के नीचे रह नहीं पाते हैं उस मजदूर किसान अल्पसंख्यक की बात करते हैं कलम के माध्यम से समझाते हुए माननीय काशीराम जी। तो ऐसे व्यक्ति की आज हम जयंती मना रहे हैं। मेरी ये छोटी सी श्रद्धांजलि, मैं कितना समझा पाया
उनके समाज में रहते हुए कितने वर्ग के लोग उनको जानते समझते हैं, उम्मीद करता हूँ अधिकांश लोग जानते होंगे। और आने वाले दिनों में हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। उन्होंने जो कार्य अधूरे छोड़ के चले गए असमय में बीमारी की अवस्था में, उनका देहांत हो चुका है 2006 में, क्योंकि 2003 से 2006 के बीच में वो लकवाग्रस्त हो गए थे, बहुत बीमार हो गए थे, तब उनका निधन हो गया। कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कभी शादी नहीं की, बहुत कुछ था उनके जीवन के विषय में। 15-16 मिनट में जितना संभव हो सका, कुछ स्रोतों के माध्यम से, कुछ जानकारियों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। तो आपने मेरे वीडियो को इतना तक देखा समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद ना आया हो तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। दो और बातें कहकर 1 मिनट में वीडियो को समाप्त करूंगा कि आज दो लोगों का और अच्छा दिन है। एक है इरोम चारू शर्मिला, उनका भी आज जन्मदिवस है। कौन थी इरोम चारू शर्मिला, जिन्होंने 16 वर्षों तक अमरण भूख हड़ताल की देश में, मणिपुर में, एक एक्ट के कानून के खिलाफ में, आज उनकी जयंती है। और एक और व्यक्ति मजदूरों के मसीहा, कार्ल मार्क्स का भी जयंती है। तो उनके को भी मेरा पुनः नमन, पुनः धन्यवाद कि उन्होंने एक दशा दी दुनिया को, समाज को। और माननीय काशीराम जी को पुनः मेरा नमन। आपने वीडियो को देखा, अच्छा लगे तो शेयर करें, अच्छा ना लगा हो तो अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, देशद्रोही। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।